नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मनी नेस्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बंदर और बकरियों के शेयर बाजार के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, निवेश का निर्णय लेना आसान नहीं है। आज मैं आपको बंदरों और बकरियों की एक सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो हमें बताती है कि निवेश के फैसले कैसे किए जाते हैं। दोस्तों, हम सभी इस अद्भुत बाजार में सीख रहे हैं। किसी कंपनी का मूल्यांकन अपने आप में एक कठिन कार्य है। किसी कंपनी के शेयर की सही कीमत का पता लगाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एक अच्छी कंपनी को कबाड़ से अलग करना काफी आसान है। हम कभी कभी इस मूल निर्णय में लड़खड़ा जाते हैं और रातों की नींद हराम कर लेते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी जो हमें निवेश के निर्णय लेने के तरीके पर बहुत जानकारी देती है। आखिरकार हम अपनी मेहनत की कमाई को किसी ऐसी चीज को खरीदने में लगाने जा रहे हैं जो हमें हमेशा के लिए अच्छा रिटर्न दे। तो दोस्तों, इस कहानी का आनंद लें और इसे आराम से सुनें और अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करें। बहुत समय पहले एक गाँव में एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने कहा कि वह बंदरों को खरीदना चाहता है। उसने कहा वह प्रति बंदर 100 रुपया देगा। ग्रामीणों ने पास के जंगल और गांव के सभी बंदरों को पकड़ लिया और उन्हें प्रत्येक को 100 रुपए में बेच दिया। जल्द ही एक और आदमी दिखाई दिया और उसने कहा कि वह प्रत्येक बंदर के लिए 200 रुपए का भुगतान करेगा। लेकिन आसपास कोई और बंदर नहीं थे, वे सभी पहले व्यक्ति के स्वामित्व में थे। इसलिए गांव वाले उसके पास गए और कहा वे बंदरों को पकड़कर उसके पैसे वापस करने को तैयार हैं। लेकिन बंदर मालिक बेचने को तैयार नहीं था। ग्रामीणों ने प्रस्ताव की कीमत 150 रुपए प्रति बंदर, फिर 175 रुपए और अंत में 199 रुपए तक बढ़ा दी। लेकिन आदमी बेचना नहीं चाहता था, भले ही वह बंदरों का कोई उपयोग नहीं करता था। आखिरकार बस यह देखने के लिए कि क्या वह बेच देगा, उन्होंने उसे 200 रुपए की पेशकश की, लेकिन उसने फिर मना कर दिया। ग्रामीण इससे हैरान रह गए। अंत में उनमें से एक ने यह पता लगाया कि कोई और व्यक्ति होना चाहिए जो गांव में आने वाला था और बंदरों के लिए और भी अधिक धनराशि की पेशकश कर रहा था। यह समझकर उन्होंने जाकर उस आदमी को प्रत्येक बंदर के लिए 300 रुपए की पेशकश की और निश्चित रूप से उस आदमी ने यह ऑफर स्वीकार कर लिया। इतने अच्छे सौदे के बाद गांव वालों ने उसका दिमाग बदलने से पहले ही उसे तुरंत भुगतान कर दिया और बंदरों को अपने कब्जे में ले लिया। वह आदमी अपने पैसे लेकर चला गया और खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। ग्रामीणों ने अगले खरीदार का इंतजार किया और इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन कभी कोई दिखाई नहीं दिया जो एक भी बंदर खरीदना चाहता हो। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है आपने कहानी के पूरे होने का अनुमान लगा लिया है तो आप गलत हैं, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पास में एक और गांव था। इस गांव में एक दिन एक आदमी दिखाई दिया और उसने एक बकरी के लिए 1000 रुपए की पेशकश की। अब बकरियां मूल्यवान थी, इसलिए ग्रामीणों ने बकरियों को इस आदमी को बेच दिया। इसी तरह की बात यहाँ भी हुई। एक दूसरा आदमी दिखाई दिया जिसने प्रत्येक बकरी के लिए 2000 रुपए की पेशकश की। ग्रामीणों ने पहले आदमी से बकरियों को वापस खरीदने की कोशिश की, लेकिन पहले आदमी ने मना कर दिया और आखिरकार ग्रामीणों ने बकरियों को वापस 3000 रुपए में खरीद लिया। यहाँ भी दो लोग गायब हो गए और कोई भी कभी भी नहीं आया जो एक बकरी के लिए फिर से इतने पैसे की पेशकश करे। लेकिन एक अंतर था, बकरियां बंदर नहीं थी, वे देखभाल करने के लिए आसान थे, बनाए रखने के लिए सस्ती थीं।
हर दिन दूध लिया जा सकता था और दूध अच्छा और स्वस्थ था। यहाँ तक कि बकरी के गोबर को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। बकरे के बाल भी बेचे जा सकते थे। जब बकरियाँ अंततः दूध देने या मरने के लिए बहुत पुरानी हो गई तो ग्रामीण उनकी त्वचा को चमड़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे या उनका मांस खा सकते थे। अतः यह एक पूर्ण आपदा नहीं थी। लेकिन बंदर मालिक इतने भाग्यशाली नहीं थे। उन्हें लंबे समय तक घर में नहीं रखा जा सकता था। बंदरों ने बहुत अधिक खाया, चिल्लाया, उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सका और उन्होंने गांव का अधिकांश सामान नष्ट कर दिया। वे ग्रामीणों के लिए एक उपद्रवी थे। आखिरकार जब यह स्पष्ट हो गया कि बंदर बेकार थे तो उनके मालिकों ने उन्हें छोड़ दिया और अपने नुकसान के बारे में भूलने की कोशिश की। निष्कर्ष यह है कि आज शेयर बाजारों में अच्छी कंपनियां हैं जो ओवरवैल्यूड हैं और बेकार कंपनियां भी हैं जो कि ओवरवैल्यूड हैं। यदि आप मूर्ख बनने जा रहे हैं और बेतुके दामों का भुगतान करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि भविष्य में एक बड़ा मूर्ख दिखाई देगा, तो सुनिश्चित कर लें कि आप एक बकरी खरीदें ना कि बंदर। हमें अधिकतम कीमत नहीं मिल सकती, लेकिन ठोस प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को खरीदना एक बकरी खरीदने जैसा है जो हमें दीर्घकालिक रिटर्न देता है। कुछ कंपनियों को खरीदना जिनके पास कलंकित अतीत और कमजोर बुनियादी बातें हैं एक बंदर को खरीदने की तरह है। कई बार लालच के कारण हम कुछ पैसा ऐसे स्टॉक या अनुशंसित स्टॉक में लगा देते हैं जो वास्तव में कंपनी के लायक नहीं होता है। हमें सही कंपनियों को चुनने में समझदार होना चाहिए। वे हमें लंबी अवधि में लगातार रिटर्न देंगे। बुद्धिमान रहें और धनवान बने रहें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे कई सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पर भी साझा करें ताकि कई और लोग लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों, अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।